नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आपने व्हाट्सएप चैट में कैसे बैकग्राउंड फ़ोटो कैसे लगाए इसका तो आपने काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन व्हाट्सएप होम स्क्रीन में कैसे फ़ोटो लगा सकते हो आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ अपडेट कॉल या तो चैट में कहीं भी चले जाओ लेकिन ये फ़ोटो रहेगा। यहाँ आप देख सकते हो कोई भी चैट ओपन कर लीजिए तो भी ये फ़ोटो रहेगा और यहाँ भी कीबोर्ड में भी ये फ़ोटो आ जाएगा। लेकिन इससे पहले आपने काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे तो इसमें कई कई वीडियो ऐसे हैं कि इसमें आपको GB व्हाट्सएप डाउनलोड करने को कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि GB व्हाट्सएप हमारे लिए सेफ नहीं है, इसलिए डाउनलोड कभी भी मत करना। मैं आपको सिंपल जो व्हाट्सएप रेगुलर व्हाट्सएप है इसमें ही होम स्क्रीन में कैसे फ़ोटो एड करें इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रूफ करके बताता हूँ दोस्तों। तो एक भी मिनट स्किप करें बगैर आप वीडियो को देखिए, आपको लाइव प्रूफ करके बताता हूं दोस्तों। और कोई भी अगर आपका मोबाइल हो एंड्रॉइड इसमें ये ट्रिक काम आएगी। 2-5 मिनट का ही वीडियो है दोस्तों। मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो मेरे मोबाइल में कोई भी होम स्क्रीन नहीं है, यहाँ आप देख सकते हो कहीं भी, लेकिन मैं व्हाट्सएप में थोड़ा 2-3 सेटिंग्स जो है वो मैं आपको सबसे पहले आपको करवा देता हूँ। यहाँ कोई भी ओपन कर लीजिए, इसका जो चैट का बैकग्राउंड है वो सबसे पहले प्लेन ही होना चाहिए, वो ध्यान रखना। प्लेन होगा तब जाके ही ये मतलब क्लियरिटी फ़ोटो की आएगी, वरना नहीं आएगी। यहाँ प्लेन ही करना है। प्लेन कैसे करें इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ 3 लाइनिंग पर क्लिक करिए सबसे पहले, तो मैं यहाँ से 3 लाइनिंग पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करें। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको चैट पे क्लिक करना है। अब यहाँ चैट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है ये लाइट थीम जो है उसको डार्क कर देना है, क्योंकि डार्क करने के बाद ही उसका देखा होएगा, मतलब कम्प्लीटली दिखाई देगी। तो यहाँ थीम जो है वो लाइट है उसको डार्क करके ओके कर देना है। तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब आपको वेलपेपर जो आपका प्लान नहीं है और अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ वॉलपेपर पे क्लिक करिए। वॉलपेपर पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको चेंज पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ चेंज पे क्लिक कर लेता हूँ। चेंज पे क्लिक करने के बाद यहाँ अगर आपके गैलरी में से कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ आप माई फ़ोटो पर क्लिक करिए और यहाँ आपको कोई भी ले लीजिए अगर कोई भी बैकग्राउंड, तो यहाँ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। या तो मतलब माई फ़ोटो पर क्लिक करूँगा और वहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ कोई भी एक ले लीजिए। मैंने एक यहाँ डाउनलोड किया है, वाइट प्लेन बैकग्राउंड डाउनलोड किया है, तो मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ सेट वॉलपेपर पे क्लिक करूँगा और यहाँ जो है वॉलपेपर डिमिंग करके जो है तो उस पर हमें पूरा 100% कर लेना है। अब यहाँ व्हाट्सएप का सेटिंग्स पूरा हो गया है, अब आपको कुछ व्हाट्सएप पर नहीं करना है। अब यहाँ से हमें बाहर निकल जाना है, तो यहाँ डार्क थीम भी हो गई और प्लेन बैकग्राउंड भी हो गया है। अब आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ 2-3 MB की एक ऐप है उसको डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड करोगे तब जाके ही आपके मोबाइल में ये होम स्क्रीन ओपन होगी, वरना किसी भी वीडियो अगर देख लोगे दोस्तों तो ये सभी मोबाइल में काम नहीं आएगी। लेकिन ये ऐप जो है वो डाउनलोड अगर कर लोगे तो एक ही मिनट के अंदर आप होम स्क्रीन किसी भी फ़ोटो की होम स्क्रीन लगा सकते हो। तो यहाँ ये ऐप जो ऐप का नाम है डिज़ाइनर टूल प्रो व्हाट्सएप, इस तरह टाइप करोगे यहाँ तो यहाँ मेरे मोबाइल में ऑलरेडी यहाँ इंस्टॉल करके रखी है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट ओपन कर लूँगा। आपको यहाँ इंस्टॉल करने हैं तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ आपको नीचे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ मॉकअप ओवरले करके जो है। अब यहाँ दो साइज दिखाई दे रहे होंगे आपको, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। आपको यहाँ पोर्ट्रेट अगर कीबोर्ड में रखना चाहते हो तो यहाँ लैंडस्केप करना है, और पूरे होम स्क्रीन रखना चाहते हो तो आपको यहाँ पोर्ट्रेट सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपका फ़ोटो जो भी जहाँ भी रखा है वही फ़ोटो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से अगर आपको फ़ोटो ना मिले तो यहाँ 3 लाइनिंग पर क्लिक करो और यहाँ आपको इमेजेस पर क्लिक करो तो यहाँ आपको फोल्डर्स मिल जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ डाउनलोड एक फ़ोटो किया है तो उसको ही मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ आपको मॉकअप ओवरले करके जो है उस पर आपको ऑन कर देना है। अभी ऑफ है तो ऑन कर देना है। ऑन करोगे तो ये पूरी स्क्रीन में ये फ़ोटो आ जाएगा। अब यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ इस तरह आपके मोबाइल में होगा, तो यहाँ पूरा आपको 100% कर लेना है, तब जाके इसकी ब्राइटनेस जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ ये दोनों जो है उसको अगर सेटिंग्स करना है तो कर सकते हो, वरना आपको ऐसे ही रहने देना है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह मैंने कर दिया। अब उसका सेटिंग्स भी पूरा हो गया, अब इतना ही आपको करना है। आप यहाँ व्हाट्सएप में मैं आपको डायरेक्ट ले जाता हूँ और आपको होम स्क्रीन मिले।
तो आप देख सकते हो यहाँ होम स्क्रीन जो है वो कम्प्लीटली यहाँ दिखाई दे रही उस फोटो की। आपकी फ़ोटो भी यहाँ रख सकते हो, या तो आपकी बच्चे की या तो वाइफ की फ़ोटो रख सकते हो, या किसी हीरो हीरोइन की भी आप रख सकते हो फ़ोटो। तो इस तरह आप यहाँ कोई भी गोल्स या अपडेट्स या चैट पे क्लिक करो, यहाँ से फ़ोटो आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ आपको कोई भी चैट ओपन करोगे तो यहाँ भी आपको फ़ोटो ये दिखाएगी, और उसके बाद मैसेज पे क्लिक करोगे तो आधा फ़ोटो ये कीबोर्ड के अंदर में बैकग्राउंड हो जाएगा। तो इस तरह आप फोटो लगा सकते हो दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से फ़ोटो लगा सकते हो इस ऐप के माध्यम से। अगर इस ऐप अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा डिज़ाइनर टूल प्रो करके जो है व्हाट्सएप करके है, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो या तो आप व्हाट्सएप में डायरेक्ट से ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसको मुझे बैक कर देना है, मुझे क्लोज कर देना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐप में आके इसको ये बटन जो है मॉकअप ओवरले करके है उसको अभी ऑन है तो उसको ऑफ कर देना है। तो मैं ऐसे ऑफ करूँगा तो ये सब हट जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो ये सब हट गया है और व्हाट्सएप जो है वो पहला था वैसा ही हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ प्लेन है, प्लेन ही हो गया है। तो इस तरह आप होम स्क्रीन लगा सकते हो और हटा भी सकते हो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।